और राम वनगमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम को छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल इस समय संबोधित कर रहे हैं। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए। शिवरी नारायण धाम साक्षी है मानस गायन का। प्राचीन परंपरा के अनुरूप यहाँ पर मानस गायन बहुत ही प्राचीन समय से चला रहा है और शिवरी नारायण धाम ने छत्तीसगढ़ के लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरित किया है अपनी अनूठी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए। और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं प्रथम स्थान विजेता हरिदर्शन मानस मंडली चोरिया बमनीडी जांजगीर चांपा। जोरदार तालियां। 5 लाख रुपए का पुरस्कार। 5 लाख रुपए का चेक। प्रथम स्थान विजेता हरिदर्शन मानस मंडली चोरिया बमनीडी जांजगीर चांपा। इस पावन धरा में जैसा कि परिपाटी चली आ रही है मानस गायन की और विजेता भी घोषित हुए हैं जांजगीर चांपा के। 5 लाख रुपए का चेक। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संदेश के साथ रामचरित मानस की प्रति प्रभु श्री राम की बेल मेटल की मूर्ति और राजकीय गमछा आपको भेंट किया जा रहा है। एक बार तीनों विजेताओं के लिए जोरदार तालियां। राम राज्य की परिकल्पना साकार होती दिखाई दे रही है इस मंच से जब मानस गायन की परंपरा इतने अनूठे रूप में पूरे राज्य में पुनः शुरू हुई और 7,000 प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। ब्लॉक स्तर, पंचायत स्तर और जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक और सभी को पुरस्कृत किया गया। और इस पुरस्कार के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करूंगी उद्बोधन और आशीर्वचन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन, कृपया हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करें। बोले सियावर रामचंद्र की, बजरंग बली की, बोले जगन्नाथ भगवान की, सबरी माता की। मंच में उपस्थित आदरणीय बड़े भैया ताम्रध्वज साहू जी, नगरी प्रशासन मंत्री डॉक्टर सी डहरिया जी, राजश्री महंत डॉक्टर राम सुंदर दास जी, भाई चंद्रदेव राय जी, इंदु बंजारे जी, राम कुमार यादव जी, भाई राम कुमार पटेल जी, आदरणीय बोधराम कंवर जी, आदरणीय भाई बालम चक्रधारी जी, चित्रेखा साहू जी, आदरणीय भाई सुरेंद्र शर्मा जी, प्रदीप शर्मा जी, आदरणीय भाई दुर्गेश जी, मंजू बान, शशिकांता जी, यनीता जी, राघवेंद्र जी, अंजनी जी, कांति केसरवानी जी, प्रीति देवी सिंह जी, राजेंद्र यादव जी, सभी हमारे अधिकारीगण उपस्थित, बहुत सारे साथी हैं, विधायक लोग भी हैं, पूर्व विधायक लोग भी हैं, अधिकारी लोग हैं, सबका नाम लूंगा तो समय लगेगा, इसलिए सबसे सबको प्रणाम करते हुए, सबको नमस्कार करते हुए उपस्थित मानस मंडली के सबो प्रतिभागी मन, प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले सभी हमारे प्रतिभागीगण, रामनामी संप्रदाय के सभी हमारे साथीगण, सभी को राम राम। उपस्थित भाइयों, बहनों, या साथियों, पत्रकार मित्रों, आप सबको रामनवमी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। शिवरी नारायण ये
हमारा धार्मिक, आध्यात्मिक, व्यापारिक आदिकाल से केंद्र रहा है। यह इस केंद्र में हम लोगों ने तीन नदियों को मिलते हुए हम देखते हैं, यहां त्रेता युग, द्वापर युग का भी समागम यहां दिखाई पड़ता है। वहीं आज इस गोद में प्रदेश भर के आए हुए लोगों का भी समागम हुआ है। मैं सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आदरणीय साथियों, आज रामनवमी है। हमारे छत्तीसगढ़ में इस नवरात्रि का विशेष महत्व, गांव गांव में शीतला और शीतला में जवारा और जवारा के साथ साथ सेवकों के द्वारा सेवा गीत और साथ ही घरों में भी जवारा बोने का काम होता है। और जितने भी हमारे देवी विराजे हैं, चाहे वो दंतेश्वरी हो, चाहे बम्बलेश्वरी हो, चाहे महामाया हो, बिलई माता हो, चाहे अन्य अन्य जगहों में आप देखेंगे, सभी जगह जोत जवारा बोया जाता है। लोग उपवास रखते हैं 9 दिन तक के, और आज रामनवमी के दिन, भगवान राम के अवतरण दिवस के दिन कन्या भोज भी कराते हैं, अपने इष्ट मित्रों को बुला के भोजन भी कराते हैं और आज भोजन भी अन्न ग्रहण करते हैं। तो नवरात्रि का हमारे छत्तीसगढ़ में विशेष महत्व। आदरणीय साथियों, मां इस अवसर पर मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को स्मरण करना चाहता हूं। वैसे तो रामायण अनेक भाषा में अनेक विद्वानों ने रामायण की रचना की, लेकिन सबसे ज्यादा प्रचलित कोई रामायण है जिस राम को, रामायण को घर घर तक पहुंचाने और जन जन तक पहुंचाने का काम किसी ने किया है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया, जो लोक भाषा में इसकी रचना की। इसलिए मैं गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करना चाहता हूं। आदरणीय साथियों, बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि आप इस प्रकार से धार्मिक आयोजन क्यों कर रहे हैं। मैं उन सबको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़, जब हम छत्तीसगढ़ से बाहर जाते हैं तो लोग या तो खनिज के नाम से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में लोहा का खदान है, कोयला का खदान है, बॉक्साइट का खदान है, हीरा का खदान है, या उस नाम से जानते हैं कि नक्सलियों का गढ़ है। हम केवल खदान के नाम से नहीं जाने जाते, हम केवल नक्सलियों के नाम से नहीं जाने जाते, छत्तीसगढ़ के बहुत उच्च संस्कृति और परंपराएं रही है, चाहे वो द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे वो बौद्धकालीन हो, सब में हमारी उपस्थिति रही है। हमारे बिना कोई युग का उल्लेख नहीं हो सकता। रामायण काल में यदि आप अपने बारे में सोचें, यदि आपको घर से निकालने की कोई बात कर दे, आपको यदि घर निकाला हो जाए, आपके परिवार वाले निकाल दें, तो सबसे पहले आप कहां, आपके दिमाग में क्या, कौन सी बात आएगी, कहां आप जाना चाहेंगे? जो आपका प्रिय स्थान है, जहां के लोग आपके प्रिय हैं, वहीं आप जाना चाहते हैं। और वही काम भगवान राम ने किया, जब उनको वनवास हुआ तो सबसे ज्यादा समय कहीं बिताया तो हमारे छत्तीसगढ़ में बिताया, क्योंकि यहां के लोग उनको प्रिय थे, क्योंकि यहां के लोग निश्चल हैं,
ईमानदार हैं, मेहनत कश हैं। और भगवान राम आप जितना भी देखें, किसी युग में भी देखें, भगवान राम को वनवास हुआ, एक निमित्त बना, भगवान राम को अयोध्या छोड़ के निकलना पड़ा, लेकिन उन्होंने क्या काम किया? सबसे पहले जो नदी में जो केवट है उसके साथ उन्होंने मित्रता की, उसके बाद आदिवासियों से मित्रता की जो सबरी माता के जूठे बेर खाए। तो समाज को जोड़ने का काम यदि आप त्रेता युग में देखें, भारतवर्ष को जोड़ने का काम किसी ने किया तो भगवान राम ने किया। अयोध्या से लेके श्रीलंका तक के जोड़ने का काम किया, विभिन्न समाजों को जोड़ने का काम किया वो भगवान राम ने किया, दूसरे ने नहीं किया। द्वापर में आज भगवान कृष्ण मथुरा से लेके द्वारका तक जोड़ने का काम भगवान कृष्ण ने किया। शंकराचार्य जी निकलते हैं केरल से और पहुंचते कहां, बद्रीनाथ तक के, दक्षिण से लेके उत्तर तक जोड़ने का काम। स्वामी विवेकानंद जी कन्याकुमारी से निकलते हैं और पूरा कश्मीर तक के जाते हैं। मैं इसलिए सबको बता रहा हूं कि जितने भी हमारे महापुरुष हुए, हमारे जो भगवान अवतरित हुए, उन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया है, विभिन्न वर्गों को जोड़ने का काम किया है, एक सूत्र में बांधने का काम हुआ है, आदरणीय साथियों। लेकिन दुर्भाग्य आज क्या हो रहा है, जिस भगवान राम की तस्वीर देखते हुए हमारे हृदय में शीतलता का संचार होता है, जिस हनुमान का ध्यान करने मात्र से हमारे हृदय में जो सबसे बड़ा भक्त है, सबसे बड़े ज्ञानी है, सबसे बड़े बलशाली है, उसकी छवि हमारे मन में उतरती है। लेकिन आज हम देखते हैं भगवान राम को युद्धक राम बना दिया गया है, हनुमान जी को क्रोधित दिखा दिया गया है। क्या हमारे राम, हमारे हनुमान जी ऐसे थे? क्या आपके हृदय में उस प्रकार की छवि बनती है? मैं इसलिए रामायण के जितने मंडली के साथी हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि समाज को जोड़ने का काम भगवान राम ने किया है, और यही रामचरितमानस आपको दे के मैं कहना चाहता हूं, आप भी समाज को जोड़ के रखिए, भगवान राम के रास्ते पे चलिए, समाज को तोड़ने का काम मत करिएगा। यह हमारी मूल संस्कृति है, जोड़ने का काम। इस दिशा में हम लोगों को काम करने की आवश्यकता है। जो अपने यदि तोड़ने का काम करते हैं वो स्वार्थी होंगे, और जोड़ने का काम तो महापुरुष लोग किए हैं, महात्मा लोग किए हैं, संत लोग किए हैं, ऋषि लोग किए हैं। और वही रास्ता जो संत महात्मा का रास्ता है वो हमारा और आपका रास्ता है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों का रास्ता है, और यही पूरे दुनिया को शांति के रास्ते पर ले जाने का काम कर सकता है। आदरणीय साथियों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कोरोना काल के बावजूद, कोरोना से जैसे हम लोग कोरोना की वापसी हुई, हमने देर से सही, क्योंकि मुझे मालूम है कि दिसंबर के बाद रामायण मंडलियों का कार्यक्रम गांव-गांव में होता है, लेकिन तीसरी लहर जब आई थी इसको रोकना पड़ा। हम लोग तो चाहते थे गांव में, ब्लॉक में, जिला में ये जो रामायण का आयोजन है, जैसे हम पारंपरिक रूप से जो आयोजन करते हैं उसी प्रकार से इसका आयोजन हो, लेकिन तीसरी लहर के कारण से इसे विलंब करना पड़ा। लेकिन प्रदेश भर के गांव में करीब 6500 से अधिक मंडली प्रथम स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुना गया, जनपद में लगभग 140 मंडलियां और 26 जिलों में 3 दिन तक के इसका कार्यक्रम चला है। हमारे जो जूरी हैं उन सब ने बहुत ही मेहनत करके चयन किया है, और आज श्री नारायण में
तीन दिवसीय जो आयोजन हुआ है उसमें प्रथम जो स्थान प्राप्त किया है जो आप ही की जिले के जांजगीर जिले के हैं उसको 5 लाख का पुरस्कार मिला, द्वितीय को 3 लाख का जो कोरिया जिले से आते हैं और तीसरा जो बीजापुर जिले के उसको तीसरा स्थान मिला है। मैं उन सबको बधाई देता हूं, प्रत्येक मंडली को भी 10-10 हजार का पुरस्कार और एक रामचरितमानस का किताब दिया गया। जिला स्तर के जो विजेता उसे 50 हजार का इनाम दिया गया और आगे भी इस प्रकार के आयोजन होते रहेंगे। वाद्य यंत्रों के लिए सामान खरीदी के लिए भी 5 हजार का एक बार का सहयोग राशि दिया गया है। यह हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है। हम लोग जब बच्चे थे बरसात के दिनों में किसान खेत से काम करके लौटता था, शाम को भोजन किए और रात में सब लोग एकत्रित हो जाते थे गुड़ी में, चौक में, किसी छाए में और फिर रामायण का पाठ करते थे। आधा घंटा एक घंटा लोग रामायण का पाठ करते थे। तो हमारी ये संस्कृति में है। हम लोग जब लोगों से मिलते हैं, जब परिचित हो अपरिचित हो, सबको राम राम कहते हैं, विदा होते हैं तब राम राम, मिलते हैं तब राम राम। सिरपुर में उतना शायद हिंदुस्तान या दुनिया में उतना बड़ा परिसर नहीं है, हमको उसे भी सजाना संवारना है, उसे भी विश्व के मानचित्र में लाना है। आज ये सिरी नारायण को केंद्र मान के हम विकसित करते हैं तो यहां से हम गिरौदपुरी जा सकते हैं, यहां से हम सोना खान जा सकते हैं, यहां से हम मल्हार जा सकते हैं, यहां से हम चंद्रपुर के चंद्रहासनी जा सकते हैं। ये केंद्र बनेगा और चारों तरफ आप देखेंगे यहां सबरी माता का मंदिर, तो एक यदि आप यात्रा करना चाहते हैं यहां से रुक के आप चारों तरफ यात्रा कर सकते हैं। ये जोड़ने का काम करेगा, हमारा केंद्र बनेगा सिरी नारायण। और यदि महाराज जी ने इसको एसडीएम कार्यालय की मांग की है तो गलत नहीं की है, निश्चित रूप से घोषणा करता हूं कि यहां एसडीएम कार्यालय खुलेगा। 23 बिस्तर अस्पताल का काम बहुत जल्दी बजट में आ गया है, उसे हम लोग निर्माण करेंगे। और हमारे भाई चंद्रदेव राय जी, क्योंकि जिला दूसरा हो जाता है, तट दूसरा होता है, लेकिन भगवान राम जी जब यहां से गए तो विश्राम वहां उन्होंने दूसरे तट पे किया है, उस क्षेत्र को भी हमको विकसित करना है, वहां भी तटबंध बनाना है, वहां भी सौंदर्यीकरण करना है, ताकि सबरी माता के जो मंदिर है खरौद है, वहां लक्ष्मणेश्वर मंदिर है जो बहुत ही प्राचीन है, और उसको भी जो यहाँ जिस प्रकार से सबरी में सिवरी नारायण में जो विकास कर रहे हैं इसी प्रकार से खरौद में जो हमारे सबरी माता का मंदिर है और लक्ष्मणेश्वर मंदिर है उसको भी बढ़िया से विकसित करेंगे ताकि यात्रीगण आए उसे भी देखें, आशीर्वाद प्राप्त करें। तो छत्तीसगढ़ में बताने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। 43% जंगल है, जो लोग विदेश घूमने जाते हैं, जो दृश्य देखते हैं, जो जगह देखते हैं, वो सारे स्थान उससे भी खूबसूरत यदि स्थान है तो हमारे छत्तीसगढ़ में केवल विकसित करने की जरूरत है, सुविधा देने की जरूरत है, और वो काम लगातार हम लोग कर रहे हैं। बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए आप सब मानस मंडली के साथियों को बधाई देते हुए, नगर पंचायत के अध्यक्ष ने भी यहाँ के विकास के लिए मांग रखी है, जनपद अध्यक्ष ने भी मांग रखी है, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी, सारे विकास काम होंगे, इस बात का विश्वास दिलाते हुए पुनः आप सबको बधाई और शुभकामना देते हुए, आज लगभग 238 करोड़ रुपए के अभी लोकार्पण होगा, भूमि पूजन किया जाएगा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी के माध्यम से और विभिन्न पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा, नगरी प्रशासन विभाग के द्वारा ये सारे विकास कार्य के भी भूमि पूजन करना है, जो लगभग 238 करोड़ के हैं उसका लोकार्पण और भूमि पूजन किया जाएगा। तो विकास के मामले में कोई पीछे नहीं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे गृह मंत्री जी ने जो बात कही, हमें विकास करना है सड़कों के भी, स्कूल बिल्डिंग के भी, हॉस्पिटल के भी,
लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा जो लक्ष्य है और विकास के हमारे केंद्र में कोई है तो व्यक्ति है। व्यक्ति को केंद्र में रख के, चाहे वो कुपोषण के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई हो, चाहे वो स्वास्थ्य के देने की बात हो, शिक्षा देने की बात हो, चाहे उसे रोजगार देने की बात हो, चाहे मेरे अन्नदाता छत्तीसगढ़ के जो पिछले 3 साल से राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ पा रहे हैं, 2 लाख से 22 लाख हमारे किसान इसका लाभ पा रहे हैं, 66 लाख परिवार हैं जिसको 35 किलो चावल मिल रहा है, 40 लाख परिवार ऐसे हैं जिसको बिजली बिल आधा का लाभ मिल रहा है, 13 लाख परिवार ऐसे हैं जिसको लघु उपज और तेंदुपत्ता संग्रहण के माध्यम से उसको लाभ मिल रहा है, और साथ ही 2 लाख ऐसे गौपालक हैं जिसको गोबर बेच के भी पैसा कमा रहे हैं, और 3.5 लाख लोग ऐसे हैं जिसके पास 1 डिसमिल भी जमीन नहीं है, उसे भी 7,000 रुपया वार्षिक देने का फैसला किया है। तो 3 साल में लगभग 91,000 करोड़ रुपया डायरेक्ट ट्रांसफर आम जनता के जेब में, चाहे मजदूर हो, किसान हो, आदिवासी हो, इनके जेब में डालने काम किया है। तो यही तो गांधी जी का जो रामराज है वो यही तो है कि सब सुखी हो, सब संपन्न हो, सबको सुविधा मिले, सब में समानता का भाव हो, भाईचारा हो, सब में सद्भाव हो, यही तो राम राज्य है। और उसी दिशा में एक मजबूत कदम छत्तीसगढ़ सरकार ने उठाया है और आप सबके सहयोग से ही संभव हो पाया है। आज गोधन न्याय योजना की बात करें, गौ माता की सेवा की बात करें, जब तक के आम जनता का सहयोग नहीं मिलेगा हम सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूँ कि आप ये सब शासकीय कार्यक्रम न समझें, ये आपकी अपनी योजना है, अपना कार्यक्रम है और इसमें भागीदार बने। इन्हीं शब्दों के साथ आज बहुत भव्य आयोजन जो हुआ है, सभी रामायण समितियों को मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे पर्यटन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को जो दिन रात मेहनत करके इतना सफल कार्यक्रम किए, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगरी प्रशासन के साथियों को, पंचायती राज विभाग के सब साथियों को बहुत ही जैसे धन्यवाद देता हूं कि बहुत सफल आयोजन, और मैं समझता हूं कि शासन की ओर से शायद कहीं रामायण प्रतियोगिता का कार्यक्रम हुआ होगा, ये पहला कार्यक्रम है और इतना सफल कार्यक्रम हुआ है, इसलिए मैं आप हाथ जोड़ के आप सबको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। जिन जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया है उन सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और सफल होगा क्यों नहीं, क्योंकि हमने स्वार्थवश नहीं किया है, हमें इससे कोई लाभ नहीं लेना है। और हनुमान जी ने कहा भी, राम काज किन्हे बिना मोहि कहा विश्राम, तो हम तो उस रास्ते के पथिक हैं जो उस रास्ते पे चल रहे हैं कि भगवान राम के जो जोड़ने का काम है, सबको, सबके प्रति प्रेम सद्भाव, जीव मात्र के प्रति कल्याण का भाव हो, तो उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार चल रही है। और भगवान राम का आशीर्वाद हो, सबरी माता के गोद में जब बैठे हैं और यहाँ महानदी जोक और शिवनाथ के संगम में बैठे हैं, जहाँ भगवान जगन्नाथ का पहला स्थान है उस जगह में बैठे हैं, और जहाँ यहाँ आम जनता जहाँ उपस्थित हो, इस भीषण गर्मी में भी आप हजारों लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो कार्यक्रम असफल हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप सब राम के रास्ते के पथिक हैं। मैं आप सबको नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपने वाणी यही विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बोलिए सियावर रामचंद्र की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपके संबोधन का एक एक शब्द हम सभी में ऊर्जा का नया संचार कर गया, और एक बार हम फिर से संकल्पित हैं न केवल राम वनगमन पर्यटन परिपथ निर्माण की परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए, बल्कि हर उस योजना को क्रियान्वयन करने के लिए, हर उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए जिसका निर्देश आपसे हमको मिलेगा। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। और अब हम अपने कलाकारों को स्मृति चिन्ह
भेंट करने के आकांक्षी हैं। और आपको बता दें, पद्मश्री अनूप जलोटा जी हमारे बीच मंच पर आ चुके हैं। जोरदार तालियों की आवाज के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रही हूं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि पद्मश्री अनूप जलोटा जी को सम्मानित करने का कष्ट करें। करती हूँ छत्तीसगढ़ के जस गीत सम्राट दिलीप षडंगी जी को। दिलीप षडंगी जी आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपको स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे, सम्मानित करेंगे। आज अपने जो सुरों की गंगा प्रवाहित की है उसने पूरा सराबोर कर दिया है श्री नारायण धाम की जनता। सम्मान के बाद अब हम माननीय पर्यटन मंत्री महोदय से निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। माननीय पर्यटन मंत्री महोदय स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग छत्तीसगढ़ शासन आमंत्रित है माननीय पर्यटन मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। कलेक्टर जांजगीर चांपा आमंत्रित हैं माननीय नगरी प्रशासन मंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड और संचालक संस्कृति एवं पुरातत्व आमंत्रित हैं संयुक्त रूप से माननीय राज्य श्रीमंत डॉक्टर राम सुंदर दास जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। अपने प्रशासनिक अधिकारियों को आमंत्रित करते हैं प्रथम पंक्ति में विराजमान हमारे अति विशिष्ट अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए। मुख्य कार्यपालन अधिकारी एडीएम जांजगीर चांपा, एसडीएम शिवरी नारायण, नगर पंचायत सीएमओ नगर पंचायत, उप महाप्रबंधक छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड, आप सभी से निवेदन, प्रथम पंक्ति में विराजमान हमारे अति विशिष्ट अतिथिगणों को स्मृति चिन्ह भेंट करने का कष्ट करें। और आप सभी से निवेदन, द्वितीय पंक्ति में विराजमान हमारे विशिष्ट अतिथिगणों को राजकीय गमछे के साथ सम्मानित करने के लिए। मंच के सामने मौजूद हैं हमारे अति सम्मानित रामनामी संप्रदाय के हमारे बंधुगण जिन्हें हम आमंत्रित करते हैं। रामनामी संप्रदाय के बंधुओं को हम सम्मान सहित मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं स्मृति चिन्ह ग्रहण करने के लिए।
हमारे बंधुगण अति सम्मानित मंच पर आमंत्रित। तो शिवरी नारायण में भव्य कार्यक्रम में समय उपस्थित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री